इंदौर में तिल चतुर्थी के मौके पर खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। अभी कलेक्टर इंदौर आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। अब किस तरह से यहाँ पर माहौल है, क्योंकि तिल चतुर्थी का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। क्या महत्व हम जानेंगे, पंडित अशोक भट्ट हमारे साथ हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। अशोक जी, किस तरह का यहाँ का महत्व पूजा का? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेला यहाँ पर लगाया गया है। यह प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मेला लगा है। माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त ऐसा बताते हैं कि जब परमारकालीन मंदिर था, पर औरंगजेब के डर के कारण वो आक्रमण करके मूर्ति तोड़ देता था, तो उस कारण हमारे तत्कालीन जो पूर्वज पुजारी थे उन्होंने मूर्ति को बावड़ी में छुपा दिया था। और कालांतर में माँ अहिल्या देवी होलकर के द्वारा 1735 में तिल चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश जी महाराज का यहाँ पे पुनः मंदिर स्थापित हुआ, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब से यह तिल चतुर्थी मेला यहाँ पर लगाया जाता है। आज यहाँ पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह जी और निगम आयुक्त हर्षिता मैडम और यहाँ के DCP आनंद अभिषेक आनंद जी द्वारा ध्वज पूजन किया गया। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, विद्युत सज्जा की गई है। साथ ही भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है, उन्हें स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं। यह स्वर्ण आभूषण साल में 2 बार ही धारण कराए जाते हैं। इनकी कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए है और इन 3 दिनों में लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का भी भोग लगाया गया है और प्रसाद वितरण चालू है। हम आपसे जब तक बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा हमारे साथी एक बार आपको दिखाएं मंदिर में कि जो आभूषण पहनाए गए वो किस तरह के हैं और उनकी क्या खासियत है। क्योंकि पंडित जी, जो आभूषण पहनाए गए, आपने बताया कि 4 करोड़ तक के गहने हैं, क्या क्या इसमें शामिल है? इसमें भगवान गणेश जी महाराज का स्वर्ण मुकुट है, स्वर्ण चंद्रिका है, स्वर्ण छत्र है और साथ ही स्वर्ण तिलक है, माता जी के स्वर्ण मुकुट है, शुभ लाभ के स्वर्ण मुकुट है। ये आभूषण है भगवान गणेश जी महाराज के और ट्रेजरी में रखे जाते हैं, साल में 2 बार ही निकालते हैं। अच्छा महाराज, जो ध्वज की महत्व है, ध्वज का पूजा का क्या महत्व है, क्योंकि यहाँ बड़ा ये देखा जाता है ध्वज पूजा भी हमने की है। यहाँ पर होलकर काल से ही सरकारी पूजन होता है, माँ अहिल्या देवी होलकर के द्वारा यहाँ पर सरकारी पूजन होता था। अब धीरे धीरे समय के अनुसार यह मंदिर प्रबंध समिति अब प्रबंध समिति बन गई और इसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, इसलिए सरकारी पूजा होती है और जिसमें ध्वज पूजन यहाँ के कलेक्टर जो रहते हैं वो ध्वज पूजन प्रतिवर्ष अनुसार करते हैं। खजराना गणेश मंदिर का अपना बड़ा महत्व है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है, क्या वजह, क्या लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, कोई और कारण? भगवान गणेश जी महाराज की यह चमत्कारिक मूर्ति सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामनाएं मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ पर बंधन बांधे जाते हैं मनोकामना के लिए और भगवान गणेश जी महाराज उनके बंधनों में बंध के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप पीछे भी माहौल अगर मैं चाहूँ एक बार दिखाना कि किस तरह से भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, उनका लगातार आना जारी है और दर्शन व्यवस्था जो है वो ऐसी की गई है कि मुश्किल से 20 से 25 मिनट में बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आकर के दर्शन कर सकें। महाकाल मंदिर की तर्ज पर कहा जा सकता है कि ये दर्शन व्यवस्था है और लाखों लोगों का यहाँ पर इस दिन आना होता है और आज के दिन का बड़ा महत्व है, इसलिए यहाँ पर आज ये तमाम इंतजाम किए गए। और व्यवस्थाओं को लेकर के अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर खजराना मंदिर की जो व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर कही जाएगी कि हमेशा ही एक अपने आप में मिसाल कायम करती है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।